इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जब मंकी किंग ने देवताओं का अपमान किया था तो देवताओं ने उसे पत्थरों की जेल में कैद कर दिया था, जिससे मंकी किंग कई सालों तक उन पत्थरों में दफन रहा। लेकिन फिर एक दिन एक मास्टर ने उसकी मदद की और उसे कैद से आजाद कर दिया, जिससे मंकी किंग उन्हें मास्टर मारने लगा। फिर मंकी किंग अपने मास्टर और उनके दो शिष्य सैंडी और बाजी के साथ एक यात्रा पर निकल गया, जिसमें उन्होंने बहुत से डीमन का खात्मा किया। लेकिन उन सभी डीमन में सबसे खतरनाक डीमन किंग था, जो सीक्रेट स्क्रॉल की पावर को हासिल करके बहुत ही खतरनाक बन चुका था। लेकिन फिर भी मंकी किंग ने उसका सामना किया और अपनी मैजिक स्टिक से उसके सिंग को तोड़ दिया, जिससे उसकी सारी शक्तियां चली गई और मंकी किंग ने उसे जमीन की गहराइयों में कहीं कैद कर दिया था, जिससे दुनिया में वापस से शांति की स्थापना हुई। और ऐसे वक्त गुजरता रहा और मंकी किंग और उसके दोस्त समय के साथ कहीं गायब हो गए। फिर हमें प्रेजेंट में न्यूरो के एक म्यूजियम का दिखाया जाता है, जहां एशियन चाइना की पुरानी चीजें रखी हुई थी। तभी वहां डीमन किंग के तीन चमचे आ जाते हैं, जो म्यूजियम के गार्ड को डराकर बेहोश करके दिव्य स्क्रॉल चुरा लेते हैं और वो मंकी किंग की छड़ी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नहीं उठा पाते, इसीलिए वो स्क्रॉल लेकर ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें चाइना के जू में बहुत सारे गोल्डन मंकी को दिखाया जाता है, जिनमें गोल्ड मंकी भी होते हैं, जो सभी को ताइची सिखाने के लिए ट्रेन कर रहे थे। लेकिन सनी नाम का एक बंदर उन्हें कहता है कि मुझे ताइची पहले से ही आता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ईगो था और वो मंकी किंग का बहुत बड़ा फैन था, जिससे वो सभी को अपना बैलेंस दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़ने लगता है। मगर वो रस्सी से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तो गुगु नाम की लड़की उसका इलाज करती है, क्योंकि वो वहीं काम किया करती थी और वो सनी की काफी अच्छी दोस्त थी। गुगु सनी को समझाती है कि तुम्हें ऐसी बचकानी हरकतें करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि जो भी स्टाइल मारता है वो असल में दिखावा करता है, इसीलिए तुम जैसे भी हो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हो। फिर गुगु सनी को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो अलग अलग जगहों पर फोटो क्लिक कर सकते थे। फिर वो दोनों अपनी अलग अलग जगहों की पिक्चर क्लिक करते हैं। तभी वहाँ जू का मैनेजर भी आ जाता है, जो गुगु पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मंकी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये मंकी बिगड़ते जा रहे हैं। सनी भी से काफी सेड हो जाता है और वो वापस से जू में जाकर सो जाता है। वो सोचता है कि काश अगर मेरे पास भी मंकी किंग जैसी शक्तियाँ होती तो मेरे भी फैंस होते और लोग मुझे पसंद करते। वही हमें दिखाया जाता है कि गुगु अपने रूम में बैठी हुई अपना काम कर रही होती है कि तभी डीमन किंग के चमचे वहाँ आकर गुगु को बेहोश कर देते हैं और उसे लेकर अपने साथ चले जाते हैं, क्योंकि गुगु पिछले जन्म के मंकी किंग के मास्टर की तरह दिखाई देती थी। फिर अगली सुबह जब गुगु सभी बंदरों को खाना देने नहीं जाती तो सनी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि जू मैनेजर कल गुगु पर बहुत गुस्सा हो रहा था, इसीलिए उसे लगता है कि मैनेजर ने उसे काम से निकाल दिया है, इसीलिए वो गुगु से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। लेकिन गुगु वहाँ नहीं होती, इससे सनी काफी परेशान होता है कि मैनेजर ने उसे काम से निकाल दिया है। तभी सनी देखता है कि गुगु का लैपटॉप और बैग वहीं रखा हुआ है और वो वहाँ कुछ टूटी हुई चीजें भी देखता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि गुगु के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। फिर जब वो लैपटॉप को ऑन करता है तो उसमें उसे कल रात की फुटेज मिलती है, जिसमें मंकी किंग के चमचे गुगु को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। सनी ये देखकर काफी डर जाता है कि गुगु का किडनैप कर लिया गया है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे वहाँ एक कैप दिखाई देती है जो उन्हीं डीमन किंग के चमचों की होती है और उस पर न्यूरोक लिखा हुआ होता है, जिससे अब सनी डिसाइड करता है कि वो न्यूरोक जाकर अपनी दोस्त गुगु को बचाएगा। फिर वो न्यूरोक जाने के लिए निकल जाता है। वो जू से बाहर निकलने के लिए मंकी टेडी के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे वो वहाँ से निकलकर न्यूरोक की बस में चला जाता है, जहाँ से वो एयरपोर्ट पहुँच कर एक बैग में छिप जाता है, जिससे वो कुछ ही घंटों में न्यूरोक पहुँच जाता है। सनी को न्यूरोक काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन वहाँ के लोग मंकी को देखकर काफी ज्यादा डरने लग जाते हैं और एक सेंट नाम का पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन सनी कारों के ऊपर छलांग लगाकर उसके हाथों से बच जाता है और एक टेम्पल के अंदर आ जाता है, जहां बुद्धा के मूर्ति के पीछे छिपा एक पीक सनी को परेशान करने के लिए बुद्धा की आवाज में उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में क्यों आए हो। तो सनी से काफी डर जाता है और फिर उन्हें बताता है कि मैं कुंग फू मास्टर हूँ और मैं यहाँ एक बहुत बड़े मकसद से आया हूँ। तभी बाजी बाहर आ जाता है और वो सनी को बताता है कि मेरा नाम मास्टर बाजी है और मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तभी वहाँ वो ऑफिसर आने लगता है तो बाजी सनी को अपने पीछे छिपा लेता है, जिससे सनी उस ऑफिसर से बच जाता है। फिर बाजी वहाँ से जाने लगता है तो सनी उसे रोकता है और कहता है कि आप मेरी मेरे मकसद में मदद कर सकते हैं। और फिर उसे उन डीमन की हेड देता है, जिसे सूंघते ही बाजी को पता चल जाता है कि वो हेड डीमन किंग के चमचों की है। इसीलिए वो सनी को बताते हैं कि बुद्धा के सीक्रेट स्क्रॉल को डीमन किंग के चमचों ने चुरा लिया है, क्योंकि कहानियों के मुताबिक डीमन किंग आज भी जिंदा
रहा है और न्यूयॉर्क सिटी के नीचे कहीं छिपा हुआ है। तो सनी उन्हें कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सुना था कि मंकी किंग ने सालों पहले उसे हरा दिया था और उसके सिंह के दो टुकड़े कर दिए थे। तो रिप्लाई में बाजी उसे कहते हैं कि मंकी किंग ने सिर्फ उसे हराया था, खत्म नहीं किया था, और उसके सिंह के दो नहीं तीन टुकड़े हो गए थे क्योंकि मैं उस वक्त वहीं मौजूद था। इससे सनी समझ आता है कि वो जूबाजी है जो मंकी किंग के काफी अच्छे दोस्त थे और उनके साथ सफर पर गए थे। इससे वो बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए और मुझे मंकी किंग की टेक्निक सिखाइए। तो बाजी उसे कहता है कि मैं काफी बूढ़ा और मोटा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं न्यूयॉर्क सिटी में डीमंस को ढूंढता नहीं फिर सकता। तो सनी उन्हें कहता है कि मैं यहाँ अपनी दोस्त गुगु को बचाने आया हूँ क्योंकि डीमन किंग के चमचों ने उसका किडनैप कर लिया है। तो बाजी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करके मिशन पर निकल जाते हैं। सनी बाजी से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो बाजी उसे स्टिक से ड्रॉ करके बताते हैं कि हमें डीमन किंग को ढूंढने के लिए उसके सिंह के तीनों टुकड़े ढूंढने होंगे क्योंकि वो तीनों टुकड़े मिलकर ही हमें डीमन किंग का पता बताएंगे। फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि बुक में लिखा हुआ है कि सिंह का पहला टुकड़ा सेंटर पार्क के कासिल के पीछे छिपा हुआ है। फिर वो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बाजी सनी को कहते हैं कि तुम्हें असली कुंफू मास्टर बनने के लिए तुम्हें खुद को अंदर से समझाना होगा, जैसे मंकी किंग ने अपनी बहादुरी दिखाई थी तुम्हें भी वही करना होगा। फिर वो उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप लगाने को कहते हैं। सनी को ये सब काफी आसान लगता है और वो बहुत खुश होता है और वो एक पेड़ पर चढ़कर दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है, लेकिन वो दूसरे पेड़ पर नहीं पहुंच पाता और नीचे गिर जाता है। तो बाजी उसे कहते हैं कि स्पाइडर मंकी कभी भी नीचे नहीं गिरते क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अगली डाल हमेशा पास ही होती है, इसीलिए तुम्हें भी खुद पर विश्वास करना होगा। फिर वो उसे एक डिवाइन स्पाइडर मंकी का बाल देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे हर वक्त अपने पास रखना और ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो सनी उस बाल को अपने हाथ में बांध लेता है और वापस से दूसरे पेड़ पर जंप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो दूसरे पेड़ पर जंप नहीं लगा पाता। तो बाजी से कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस बाल में ही कोई प्रॉब्लम है। तो बाजी उसे समझाते हैं कि प्रॉब्लम उस सफेद बाल में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है, इसीलिए उसे प्रैक्टिस करते रहने को कहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। वहीं फिर हमें जमीन के अंदर डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसने गुगु को पकड़कर कैद कर रखा था ताकि उसके लिए सीक्रेट स्कूल पढ़ सके, लेकिन गुगु से कहती है कि मुझे प्राचीन भाषा पढ़नी नहीं आती। तभी वहाँ वो डीमन भी आ जाता है जो बाजी और सनी पर नजर रख रहा था। वो डीमन किंग को कहता है कि एक पिग और मंकी आपको ढूंढ रहे हैं और वो आपके सिंह का पहला हिस्सा हासिल करने के लिए सेंट्रल पार्क जा रहे हैं। तो डीमन किंग इससे बहुत खुश होता है और वो विंड डीमन को उन्हें खत्म करने के लिए भेजता है क्योंकि उसके पास विंड को कंट्रोल करने की पावर थी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बाजी और सनी सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं जहां वो सिंह का पहला हिस्सा ढूंढने लगते हैं। सनी जब पेड़ पर चढ़ता है तो उसे सिंह का पहला टुकड़ा मिल जाता है, लेकिन तभी वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और विंड डीमन वहां आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है जिससे बाजी विंड डीमन के बवंडर में फंस जाते हैं। सनी विंड डीमन से बचने के लिए भागने लगता है और वो कासेल के टॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन विंड डीमन वहां भी पहुंच जाता है। तो सनी खुद पर भरोसा करके नीचे पेड़ पर जंप लगा देता है जिससे उस बाल की वजह से सेफली नीचे पहुंच जाता है और विंड डीमन से बचकर भागने लगता है। वो एक दीवार के ऊपर चढ़ता है जिससे उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन वो सभी पत्थर उस बाल की पावर की वजह से फ्रीज हो जाते हैं और सनी उनकी मदद से ऊपर चढ़ जाता है जिससे विंड डीमन उन सभी पत्थरों के नीचे दब जाता है। और तभी बाजी भी उसके ऊपर आकर गिरते हैं जिससे विंड डीमन वहाँ से डरकर भाग जाता है। मंकी किंग इससे काफी खुश होता है। फिर बाजी सिंह का पहला टुकड़ा निकालते हैं जो दूसरे सिंह की तरफ पॉइंट कर रहा था। फिर वो दोनों उस तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। वो एक वेन में छिपकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर बाजी सनी को दूसरा सबक सिखाने के लिए उसे एक बाल और देते हैं और कहते हैं कि इससे तुम एक गोरिल्ला में बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए कॉन्फिडेंट होकर सोचना होगा कि तुम एक गोरिल्ला हो। सनी जब अपने दिलो दिमाग से सोचता है कि वो एक गोरिल्ला है तो एक 10 फीट ऊंचे गोरिल्ला में चेंज हो जाता है जिससे वो ड्राइवर काफी ज्यादा डर जाता है और सनी उस वेन को ही ऊपर उठा लेता है। तो बाजी उसे ऐसा करने से मना करते हैं तो सनी उस वेन को वापस से नीचे रख देता है। बाजी उसे समझाते हैं कि एक असली लीडर कभी भी बेकसूर लोगों को दुख नहीं पहुंचाता। तो सनी उन्हें कहता है कि मैं तो सिर्फ स्टाइल मार रहा था। तभी वो देखते हैं कि वो सिंह के दूसरे टुकड़े की डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं जो कि कैसलर बिल्डिंग होती है। फिर वो दोनों उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचते हैं, लेकिन बाजी देखते हैं कि सिंह अभी भी बिल्डिंग के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो सनी ऊपर चढ़ने लगता है। तभी स्टॉर्म डीमन उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है जो स्टॉर्म पावर से सनी पर अटैक करने लगती है, लेकिन सनी खुद को एक गोरिल्ला में चेंज कर लेता है जिससे वो स्टॉर्म डीमन को बराबर की टक्कर देने लगता है और उसे
पकड़कर नीचे गिराने लगता है, लेकिन तभी स्टॉर्म डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिससे वो दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। स्टॉर्म डीमन सनी पर वापस अटैक करने आने लगती है, तभी सनी उस पर एक स्टिक से अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है और अब सनी को सिंह का दूसरा टुकड़ा भी नजर आ जाता है और उसे हासिल करके नीचे आ जाता है। वो स्टॉर्म डीमन को हराकर बहुत खुश होता है, फिर वो सिंह के तीसरे टुकड़े को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सनी बहुत ही एटीट्यूड में लोगों के सामने चलने लगता है जैसे वो सभी उसके फैन हो। बाजी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन तभी वहाँ ऑफिसर सेंड आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें लेकर जू की तरफ जाने लगता है। तो सनी उसे समझाने लगता है कि हम जंगली जानवर नहीं है, हम गुगु को छुड़वाने और न्यूयॉर्क सिटी को डीमन किंग से बचाने आए हैं। तो बाजी उसे कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं समझ सकता, तो सनी उसे इशारों में समझाने लगता है, लेकिन सेंड को उसकी बात समझ नहीं आती और वो उन दोनों को ब्रोंग जू में छोड़ देता है। उस जू के मंकी सनी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक गोल्डन मंकी को नहीं देखा था। तभी बाजी सनी को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी अच्छा मौका है जिससे तुम सिंह का तीसरा हिस्सा ढूंढ सकते हो। फिर उसे जैसे ही वो सिंह देते हैं तो एक हाथी की तरफ पॉइंट करने लगता है क्योंकि वो सिंह हाथी के टूटे हुए दांत के साथ जुड़ा हुआ था। वहीं हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसे उसका एक खबरी आकर बताता है कि सनी और बाजी को ब्रोंग जू में रखा हुआ है। तो डीमन किंग अपने चमचे फायर डीमन को से खत्म करने के लिए भेजता है। वहीं सनी केज को तोड़कर हाथी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस केज को नहीं तोड़ पाता। तो बाजी उसे कहते हैं कि गोरिल्ला की ताकत केज पर काम नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हें हाउलर की मदद लेनी चाहिए क्योंकि हाउलर मंकी की आवाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जोरदार होती है। फिर उसे डिवाइन हाउलर मंकी का बाल देते हैं जिससे सनी अब दरवाजे को खोलने के लिए जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ फायर डीमन आ जाता है और वो सनी पर अटैक करने लगता है, लेकिन सनी उसके वार से बचता जाता है और गोरिल्ला और हाउलर की पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर डीमन पर अटैक करने लगता है और काफी देर अटैक करने के बाद वो फाइनली उसे हरा देता है। लेकिन फायर डीमन वापस खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर फायर डीमन पर अटैक कर देता है जिससे फायर डीमन को वहाँ से भागना पड़ता है और वो हाथी भी सनी को पजल का तीसरा टुकड़ा दे देता है और अब सनी सभी बंदरों का हीरो बन जाता है। तभी बाजी उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि दरवाजा खुला है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो एक के ऊपर एक बैठकर एक आदमी का गेटअप ले लेते हैं क्योंकि अब उनके पास उनकी स्कूटी नहीं थी और अब वो उस सिंह की मदद से डीमन किंग के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो सिंह गटर की तरफ नीचे पॉइंट करने लगता है। फिर वो दोनों उस नाले के अंदर आ जाते हैं जहाँ उन्हें गुगु नजर आ जाती है, लेकिन वहाँ डीमन किंग और बाकी सभी डीमन भी मौजूद होते हैं मगर वो सभी गहरी नींद में होते हैं। इसलिए सनी बाजी को कहता है कि मैं गुगु को बचा कर ले आऊंगा। फिर वो चुपचाप नीचे चला जाता है और जायंट गोरिल्ला में चेंज होकर गुगु को बेड़ियों से आजाद कर लेता है, लेकिन गुगु से काफी डर जाती है। तो सनी वापस अपने असली रूप में आ जाता है जिससे गुगु से पहचान लेती है कि वो सनी है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो स्क्रोल लेकर ऊपर आने लगते हैं, तभी सनी को वहाँ एक ताज दिखाई देता है, इसीलिए वो गुगु को बाजी के पास छोड़कर वापस नीचे जाने लगता है। तो बाजी उसे कहते हैं कि तुम्हें गुगु और सीक्रेट स्क्रोल दोनों मिल गए हैं, फिर तुम नीचे क्या लेने जा रहे हो? तो सनी उन्हें बताता है कि मुझे नीचे से ताज लेकर आना है क्योंकि मैंने अभी अभी डीमन किंग को हराया है, इसीलिए मुझे वो ताज चाहिए ताकि मैं चाइना में अपने दोस्तों को बता सकूं कि मैंने डीमन किंग को हराया है। तो बाजी उसे कहते हैं कि क्या तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा? फिर उसे समझाने लगते हैं कि एक मास्टर कभी भी अपने ईगो को कामयाबी के बीच नहीं लाता। तो सनी उन्हें कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी ताने सुने हैं और गालियां खाई है, इसीलिए मुझे पहली बार कुछ कर दिखाने का मौका मिला है। फिर उन्हें ये भी कहता है कि अब आप मुझसे जल रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुल पावर्स हैं और आप सिर्फ एक छोटे और बूढ़े पिग हैं, जिससे बाजी काफी सेड होकर वहाँ से चले जाते हैं। गुगु सनी को कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन सनी उसकी बात भी नहीं सुनता और ताज लेने के लिए चला जाता है। लेकिन ये डीमन किंग का एक ट्रैप होता है जिससे सनी जैसे ही उस ताज को उठाता है वो एक केज में बंद हो जाता है। इससे डीमन किंग बहुत खुश होता है और फायर डीमन गुगु को भी वापस पकड़ लेता है और वो टूटा हुआ सिंह छीनकर वापस डीमन किंग को दे देता है, जिससे डीमन किंग जैसे उस सिंह को पहनता है तो उसकी शक्तियाँ उसके पास आ जाती है और डीमन किंग सनी को बताता है कि अब मैं तुम्हारी वजह से सीक्रेट स्क्रॉल की शक्तियों को अपने अंदर खींच सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सिंह मुझे वापस मिल गया और ये मेरी तुम्हें यहाँ लाने की चाल थी, इसलिए मैंने तुम्हें फायर डीमन से कहकर उस जू से आजाद करवाया था और तुम बिल्कुल मंकी किंग जैसे बेहुदा और बकवास हो जो ताज के पीछे भागता था। इससे सनी को गुस्सा आ जाता है और वो जायंट गोरिल्ला में चेंज होकर डीमन किंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन डीमन किंग उसे पकड़ लेता है और उसे बाजी के दिए हुए तीनों बाल छीन लेता है।
है, जिससे सनी वापस से एक नॉर्मल मंकी में बदल जाता है और डीमन किंग उन तीनों बालों को अपने चमचों को दे देता है, जिससे उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर डीमन किंग अपने चमचों को कहता है कि अब वक्त आ गया है जब मैं उस सीक्रेट स्क्रॉल की पावर से खुद को इस केस से आजाद कर लूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सनी को एक पटरी से बांध देते हैं। गोगू डीमन किंग से कहती है कि उसे जाने दो, वो एक मासूम बंदर है। तो डीमन किंग उसे कहता है कि मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ना होगा। तो गोगू सनी की जान के खातिर मान जाती है और उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ने लगती है, जिससे उन मंत्रों की वजह से पूरी न्यूयॉर्क सिटी हिलने लगती है और डीमन किंग अपनी केस से आजाद हो जाता है, क्योंकि उसका आधा शरीर जमीन के अंदर दफन था। डीमन किंग इससे बहुत खुश होता है। तो गोगू से कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सनी को छोड़ दोगे। तो डीमन किंग उसे कहता है कि अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, कि तुम डीमन पर कभी भरोसा मत करना। फिर वो अपने चमचों के साथ पुराने चाइना में आइलैंड लॉर्ड से उसकी गद्दी छीनने के लिए निकल जाता है। सनी से कभी परेशान हो जाता है। वहीं हमें पुलिस स्टेशन में ऑफिसर सेंड को दिखाया जाता है, जो जब मंकी किंग की प्राचीन कहानियों की किताब उठाकर देखता है तो उसे उसमें मंकी किंग के साथ उसके दो दोस्त बाजी और सेंडी भी नजर आते हैं, जिससे उसे याद आता है कि वो पिछले जन्म में सेंडी था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रेन तेजी से सनी की तरफ बढ़ रही होती है और सनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे मास्टर बाजी की बात सुननी चाहिए थी। तभी वो ट्रेन सनी के काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी बाजी वहां आकर उस ट्रेन को अपनी शक्तियों की मदद से रोक देते हैं और बाजी सनी को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो सनी भी उन्हें सॉरी कहता है, लेकिन बाजी उसे कहते हैं कि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर बाजी उसे लेकर ऊपर आते हैं, जहां सभी चीजें फ्रीज हुई होती है, क्योंकि बाजी ने समय को रोक दिया था। सनी भी इससे काफी हैरान होता है और उनसे पूछता है कि आपने कैसे किया। तो बाजी उसे बताते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल और स्पेशल टेक्निक है, जिसका असर एक घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, इसीलिए हमें जल्दी करना होगा ताकि हम डीमन किंग को हरा सके। तो सनी उन्हें कहता है कि मेरे अंदर अब मंकी किंग जैसी पावर नहीं रही और अब मैं सिर्फ एक आम बंदर बन गया हूँ। तो बाजी उसे समझाते हैं कि बालों की पावर से कुछ नहीं होता, हमें असली ताकत अपने अंदर की चीजें बनाती है, जिससे तुम एक हम्बल वॉरियर बन सकते हो। तो सनी भी उनकी बात समझ आता है। फिर बाजी उसे हम्बल वॉरियर की ट्रेनिंग देने लगते हैं, जिससे सनी कुछ ही टाइम में अपने अंदर की पावर से हमला करना सीख जाता है और उसमें गोरिल्ला जैसी पावर आ जाती है। इससे बाजी भी बहुत खुश होते हैं। फिर बाजी उसे कहते हैं कि हमें डीमन किंग की अगली चाल का पता लगाना होगा। तो सनी उन्हें कहता है कि मैंने सुना था कि वो पुराने चाइना में आइलैंड लॉर्ड से उसकी गद्दी छीनने जा रहा है। तो बाजी उसे कहते हैं कि डीमन किंग भी समय में पीछे नहीं जा सकता, इसीलिए न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जा रहा होगा, क्योंकि वहाँ एग्जीबिशन होने वाला है, इसीलिए चाइना के मेयर भी वही होंगे। तभी बाजी का जादू खत्म हो जाता है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। बाजी सनी को कहते हैं कि म्यूजियम शहर के दूसरी तरफ है, इसलिए मैं वहाँ पैदल नहीं जा सकता। तभी वहाँ ऑफिसर सेंड आ जाता है और वो उन दोनों को लेकर चाइना म्यूजियम की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि चाइना म्यूजियम में एग्जीबिशन चल रहा होता है कि तभी डीमन किंग वहाँ आकर हमला कर देता है। ये देखकर सभी आदमी वहाँ से भागने लगते हैं। तो डीमन किंग के चमचे सभी आदमियों को वहीं रोक लेते हैं और डीमन किंग सभी को कहता है कि आज तुम न्यूयॉर्क के पहले किंग को बनते हुए देखोगे। तो स्टॉर्म डीमन उससे कहती है कि हमें तो चाइना जाना था, फिर हम यहाँ न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं। तो डीमन किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ न्यूयॉर्क का किंग बनकर सभी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करूंगा, जिससे सभी दुनिया के लीडर मेरे आगे झुके रहेंगे। तभी बाजी सेंड और सनी वहाँ आ जाते हैं और वो डीमन किंग को कहते हैं कि हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डीमन किंग अपने चमचों को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है। तो सनी सेंडी और बाजी को कहता है कि मैं इन सभी को संभालता हूँ और आप दोनों सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए। फिर डीमन किंग के चमचे सनी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सनी उनके वार से बचता जाता है और उनकी पावर को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वहीं डीमन किंग म्यूजियम में रखी मंकी किंग की छड़ी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता, क्योंकि उसे सिर्फ मंकी किंग ही उठा सकता था। वहीं सनी अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डीमन की पावर को उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिससे वो तीनों डीमन बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर डीमन किंग बाहर आकर मेयर और गुरु को पकड़कर एक बिल्डिंग पर टांग देता है और फिर वो सनी पर अटैक करने लगता है। वहीं सैंडी और बाजी भी म्यूजियम में रखे अपने पुराने हथियार लेकर डीमन किंग का सामना करने के लिए आ जाते हैं और फिर वो तीनों एक अच्छी टीम की तरह डीमन किंग पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन डीमन किंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके बाजी को इंजर्ट कर देता है, जिससे बाजी दूर जाकर गिर जाते हैं और सनी भी म्यूजियम के अंदर चला जाता है। उसे डीमन किंग पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ रखी मंकी किंग की छड़ी
उठा लेता है क्योंकि सनी ही पिछले जन्म में मंकी किंग था, इसीलिए उसे ताइची से इतना लगाव था। डीमन किंग ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो खुद भी उस छड़ी को नहीं उठा पाया था। फिर सनी डीमन किंग पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार सनी के पास उसकी छड़ी होती है, इसीलिए वो डीमन किंग पर भारी पड़ता है और बाजी के द्वारा सिखाई हुई स्किल की मदद से फाइनली डीमन किंग पर अटैक करके उसके सिंह को वापस तोड़ देता है, जिससे डीमन किंग की पावर चली जाती है। और फिर सनी उसे वापस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे दफन कर देता है। फिर सनी उस छड़ी को नीचे रख देता है। ये देखकर गुगु बहुत खुश होती है। फिर सनी मास्टर बाजी के पास जाता है। बाजी भी सनी के काम से बहुत खुश होते हैं और फिर उसे सच्चाई बताते हैं कि तुम ही असली में मंकी किंग हो। तो सनी को इससे काफी हैरानी होती है। तो बाजी उसे कहते हैं कि तुम जरूर पिछले जन्म की बातें भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार देखते ही जान गया था कि तुम ही मेरे पुराने दोस्त मंकी किंग हो। तभी बाजी अपना दम तोड़ देते हैं, इससे सनी काफी सेड हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सनी गुगु के साथ वापस चाइना के जू में लौट आता है, जहां उसके सभी दोस्त मिलकर डांस करने लगते हैं और अब जू मैनेजर भी उनके साथ खुश होते हैं। फिर हमें एंड में दिखाया जाता है कि बाजी ने फिर से पुनर्जन्म ले लिया है, क्योंकि वहां एक पीक के बम पर बाजी के जैसा ही निशान होता है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।